अपने ही हैं, बिठाए अपने ही। मेरे बच्चों में हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज बैठ जाए। बोली श्याम प्यारी की, खाटू नरेश की, लखदातार की, तीन बाण धारी की, हारे के सहारे की, लीले के असवार की, सांवरे सरकार की, बोलिए भक्त और भगवान की। वाह, बिल्कुल परवाह नहीं कीजिएगा, मैं यहीं पर आकर गाऊंगा। है जी, पिछले कई दिनों से सारे कार्यक्रम रद्द थे, अचानक बाबा श्याम ने एकदम गट्ठर छोड़ दिया है सर पर, थोड़ी थकान है। दो शब्द मेरे महाराज के, बाबा श्याम के साक्षात दरबार में, इस पावन पवित्र भूमि पर हनुमान जी महाराज के चरणों में दो शब्द कह दीजिए, थोड़ी सी मुझ पर भी कृपा हो जाएगी और आपका भी मन लगेगा। बातचीत ना करें मेरी बहनें, मेरी छोटी बहनें बात। और भक्ति के दाता के चरणों में बातचीत ना हो, मीठी मीठी तालियां बजाकर हृदय से गाए। ये दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारम दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। सर में गाओ मेरे भैया, बोलिए हनुमान हरि की। चरणों का ध्यान हो, अष्ट सिद्धि नौ निध के दाता गाइए, अष्ट सिद्धि नौ निध के दाता। जरा माइक पे नहीं गाना भैया, माइक पे नहीं गाना, भक्त लोग बहुत अच्छा गा रहे हैं यहाँ के। हाँ, अष्ट सिद्धि नौ निध के दाता गाइए, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सवारे कर दुखों से
पार पवन सुत बात। भगवान श्री राम का एक युग त्रेता युग, भगवान घनश्याम का एक युग द्वापर युग, धन्य है हनुमान जी महाराज, चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों के स्वामी हैं। कह दीजिए, जपू निरंतर नाम तिहारा, जपू निरंतर तिहारा, अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा, अभी नहीं छोड़ू तेरा द्वारा, राम भक्त मुए शरण मिलीजे, राम भक्त मुए दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, मंगल भवन राम। कितने अच्छे भक्त हैं गुड़गांव के, धन्य हैं आप, जाओ जाओ जाकी रही, राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। देखिए इस पावन पवित्र भूमि पर आज बाबा श्याम समस्त 30 करोड़ देवी देवताओं के साथ विराजमान हैं, और इतने अच्छे भक्त जो डूबे हुए हैं, ऐसे भक्तों का हृदय से एक बार आशीर्वाद चाहूंगा। मैं ज्यादा हाथ नहीं उठवाऊंगा, सर्दी बहुत पड़ रही है अभी भी, बस एक बार और आखिरी बार इस साक्षात दरबार में दोनों हाथ उठाकर
मुझे हृदय से आशीर्वाद दे दीजिए और इतना बरकत दीजिए। जिस दिन राम का भवन बन जाएगा, जिस दिन कह दूं राम किसी राजनीति का विषय नहीं है, विश्वास के साथ कहिए, विश्वास के साथ, जिस दिन राम का भवन बन जाएगा, राम का भवन बन जाएगा, उस दिन भारत में राम राज्य आएगा, उस दिन भारत में राम राज्य आएगा, और राम भक्तों का हृदय मुस्काएगा। जय श्री भारत माँ के लिए और भगवान श्री राम के लिए एक हाथ स्वतः उठ जाना चाहिए।